गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, मतलब किसी भी मूविंग पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूवेबल है उस पर लॉरेंज फोर्स लगता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, और उसी के लिए हमने एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम इंटरवल के को डिराइव किया था। नाउ आज हमारा डेरिवेशन है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कोई कंडक्टर है। यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, हम देखते हैं कि ये कंडक्टर बना दिया है। इस कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे मूव कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है। और इस कंडक्टर की लेंथ है L और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं A है, ठीक है। तो अब इतना एज्यूम कर लिया, अब हम ये देखेंगे कि ये चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव कर रहे हैं, किसी कंडक्टर के अंदर। अब ये कहीं भी मूव करे इसके आसपास कौन सी फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड का इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि इस कंडक्टर की लेंथ L है और इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण करंट फ्लो होती है, ठीक। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं दैट मीन्स इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने कहा था कि कोई भी चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो अपने ऊपर एक फोर्स को फील करता है जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि इस पूरे कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स को हम कैपिटल एन मान लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या मतलब कैपिटल एन क्या होगा। देखिए ये पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम निकालना है हमें, क्योंकि जो जितना इसका मटेरियल होगा उन सभी के अंदर से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे, तो इसका पूरा वॉल्यूम क्या होगा, इसका पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया ए और लेंथ, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू एल, इसका पूरा वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एन, पर यूनिट लेंथ के लिए, ठीक है। मतलब मैं पूरे कंडक्टर की लेंथ ना लेते हुए पहले निकालूंगी कि मान लीजिए कि एक सेंटीमीटर लेंथ पर एन इलेक्ट्रॉन पास हो रहे, ठीक। और इसका पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ एल है, तो एक सेंटीमीटर पर जब एन इलेक्ट्रॉन पास होते तो पूरे वॉल्यूम के अंदर, एक सेंटीमीटर क्यूब सॉरी, इतने वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हुआ, ए इंटू एल हुआ। और ए इंटू एल के अंदर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक सेंटीमीटर क्यूब या एक यूनिट क्यूब, सेंटीमीटर मैंने मन से लिया है, हम कहेंगे एक यूनिट क्यूब इलेक्ट्रॉन अगर एन है तो पूरे वॉल्यूम के अंदर कितना होगा, तो एक से मल्टीप्लाई कर दो। नॉर्मल मैथ्स यूज़ होता है कि जब आप एक की वैल्यू जानते हैं, यानी एक यूनिट क्यूब एरिया के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है पता है, तो आप पूरे कंडक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें एक यूनिट क्यूब एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे टोटल कंडक्टर आपको पता चल जाएंगे, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स काम कर रहा है, लॉरेंज फोर्स, तो वो फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स काम कर रहा है, वो फोर्स है स्मॉल एफ मान लेते हैं हम लोग, स्मॉल एफ इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन के लिए कल ही हमने डिराइव किया था कि क्यू वेक्टर वी डॉट सॉरी क्रॉस वेक्टर बी, ये निकाला था। अब यहाँ पर क्यू मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस ई, नेगेटिव पॉइंट है, और इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लिखते हैं चार्ज में, ई, ठीक है। और यहाँ पर वी क्या है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है किसी कंडक्टर के अंदर लगातार टेढ़ी मेढ़ी जिस पाथ से जा रहा है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ऐसी कई सारी दिशा बदल बदल के और अलग अलग वेलोसिटी से जाता है, तो उसकी एक कॉमन वेलोसिटी क्या होगी वो पता करने के लिए हम इन सारी वेलोसिटी का क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, और उसका एवरेज ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी की बात करें तो हम उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे, क्योंकि पूरे कंडक्टर में वो कैसे भी मूव कर सकता है, और जैसे भी मूव करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है उसका औसत ले लेंगे, ठीक है, एवरेज ले लेंगे, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। ठीक, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा है तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर, अब सारे ही इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम कहा कि पूरे ही कंडक्टर पे क्या फोर्स लग रहा है, यानी हर एक चार्ज पे, तो देखिए उसे हम लिखेंगे कैपिटल एफ इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन पे लगा था तो ये था, अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैपिटल एन पूरे कंडक्टर के, तो कैपिटल एन इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, एक इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स लग रहा है उसका मल्टीप्लाई जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें कर देंगे, ठीक है। तो वैक्टर एफ इक्वल टू एन ए एल, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू है एन ए एल इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स मतलब माइनस ई वेक्टर वी डी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर एफ इक्वल टू क्या मिला, एन, ये माइनस आगे लगा देते हैं, माइनस एन ई ए एल और बचा वी डी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। अब हम जानते हैं जब भी आप ये देखते हैं वी डी तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में आपने चैप्टर नंबर 3 में एक रिलेशन देखा था कि आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है। एन माइनस क्यों लगाए, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर किसी पॉजिटिव चार्ज की बात करते तो प्लस आ जाता, और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स माइनस आएगा। नाउ आई में हम अगर एल का मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे तो एन ई ए वी डी एल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो मल्टीप्लाई कर दिया एल का, तो ये और ये, अब आप देखिए एन ई ए एल वी डी, एन ई ए एल वी डी, इस पूरे की वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आई एल, तो वेक्टर एफ, अब ये मेंशन करना, करंट आई इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये जो वी डी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो आई है ना ये भी करंट है, इसकी भी डायरेक्शन है, तो ये जो वी डी है ये क्या है, ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, पर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करती है, करंट, ठीक है। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ जब हम इतने पूरे की जगह ये वैल्यू पुट करने जाएंगे ये वाली, तो यहाँ वी डी वेक्टर फॉर्म में, तो ये सारे तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन हम वी डी की जगह पर हम आई और एल लिखने जाएंगे, तो एल कांस्टेंट है लेकिन आई जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वी डी भी एक वेक्टर है, वी डी को हटा रहे दैट मीन्स आई के ऊपर भी क्या लगेगा, वेक्टर जो इसकी जगह आएगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो जहाँ ये माइनस था तो यहाँ पर आई की जगह माइनस आई एल आएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल होके मतलब पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसकी जगह ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, देखिए वेक्टर एफ इक्वल टू आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। अब यहाँ पर वेक्टर एल क्यों लिखा है ये देखिए, कि ये जो वी डी की वैल्यू आप रिप्लेस कर रहे हैं ना, यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, ये क्या है वेक्टर वी डी है, और हमें इसके जैसे ही सेम डायरेक्शन कहाँ मिलेगी, वेक्टर एल की, मतलब कंडक्टर करंट अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन जो करंट एलिमेंट है डी एल, ठीक है,
इसमें जो वीडी शो हो रहा है और इस एलिमेंट दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, एक ही तरफ होने से हम यहाँ पर वेक्टर लगा सकते हैं दोनों की जगह। तो जब हमने इस एन ई ए वी डी एल की जगह आई एल पुट किया तो आई और एल कहाँ जाएगा, वेक्टर बी के साथ क्रॉस में जाएगा, ठीक है। तो और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है, दैट मीन्स अगर मैं इधर माइनस लगाती हूँ तो ये माइनस और वो माइनस, आई की वैल्यू जब पुट की ना तो अब प्लस कैसे हो गया, क्योंकि ये किसकी डायरेक्शन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, नेगेटिव था ही, और जब इसकी जगह हमने करंट की वैल्यू रखी और करंट अपोजिट है, दैट मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वेक्टर एफ इक्वल टू आई, अब देखिए एल बी है, क्रॉस है, क्रॉस है तो क्या होगा, इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट एल बी साइन थीटा होता है। मतलब अगर वेक्टर हटा दे और केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो आई एल बी साइन थीटा। नाउ पहला केस, केस फर्स्ट ये बोलता है कि अगर थीटा की वैल्यू जीरो रख दो, यानी कि करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो आपको वैसे भी मैंने लास्ट टाइम पे समझा दिया था कि जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते तो उनके बीच का एंगल जीरो हो जाता है। तो बात वही चल रही है कि करंट एलिमेंट एल है वो भी इस डायरेक्शन में, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी इस डायरेक्शन में, मतलब और मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में अगर बन जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो इनके बीच का एंगल थीटा होगा, थीटा इक्वल टू जीरो होगा। तो देन वेक्टर एफ इक्वल टू क्या होगा, साइन जीरो जीरो होता है, ठीक। और केस सेकंड क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो एफ इक्वल टू साइन 91 होता है। मतलब ये से हम अरेंज कर देते हैं बी आई एल, ये मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे ज़्यादा फोर्स तब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी करंट कैरी कंडक्टर पे उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का क्या फोर्स लगता है, ये हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, लॉरेंज फोर्स का मतलब है किसी चार्ज पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है उस पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो लॉरेंज फोर्स है। और यहाँ पर ये आपका जो ये कौन सा फोर्स है, वो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ पर होगा एफ इक्वल टू बिल, बिल यानी बी आई एल। तो ये बिल का मतलब क्या है, ये वाले फोर्स के फॉर्मूले का मतलब है ये किसी कंडक्टर पे जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है उसके ऊपर आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर क्या, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस कंडक्टर पे क्या फोर्स लग रहा है, ये फाइंड आउट हमने किया। देखिए अब हम बहुत बेसिक चीज़ कर रहे हैं, उसे ध्यान से समझिए। ये डेरिवेशन तो यहाँ कंप्लीट हो गया, इसका ये जो मैं समझा रही हूँ उसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आप सिंपल इसका कंसेप्ट समझिए कि जब कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर बना दिया मैंने और इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। करंट फ्लो जब इस कंडक्टर में करती है तो इस कंडक्टर के अंदर आई वन करंट फ्लो हो रही है और इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है, ठीक है। हमें पता है कि करंट की वैल्यू को जितना बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब ये जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर अगर हम एक और कंडक्टर रख देते हैं, ठीक है, अब उस कंडक्टर के अंदर जब हम मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया है, एक कंडक्टर और रख दिया और वो कितनी दूरी पर रखा है, डी डिस्टेंस पर हमने रख दिया है, ठीक है। अब पहले कंडक्टर में अगर आई वन करंट फ्लो हो रही है तो उसकी जो फील्ड बनेगी वो बी वन बनेगी जिसके अंदर दूसरा कंडक्टर भी आ जाएगा, ठीक है। और फ्लेमिंग का अगर राइट हैंड रूल अगर इस पर हम लगाएंगे तो जो बी है, बी की जो डायरेक्शन है वो इन्वर्ट होगी। इन्वर्ट मतलब जैसे ये पेन है और ये अगर कंडक्टर है तो ये ऐसी अंदर की तरफ फिंगर्स इस तरह से मुड़ेगी ना, तो वैसे ही ये जो यहाँ से फील्ड निकलती हुई इधर जो दूसरा डायरेक्शन है, ये मतलब दूसरा वाला सॉरी जो एलिमेंट है जो कंडक्टर ले रखा है वो इस तरह से कवर करती हुई पीछे की तरफ से ऐसे कवर इसे कर लेगी, ठीक है, इन्वर्ट रहेगी, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है तो एक डॉट बना दिया मैंने और ऐसे कर दिया, ठीक है। डॉट मतलब ये एक इन्वर्ट डायरेक्शन की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, ठीक। तो ये हमने इन्वर्ट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की शो कर दी है, किससे की है, राइट हैंड रूल से। नाउ
आई टू करंट इज मेट टू फ्लो थ्रू द सीडी। अब देखिए, जब हम देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर लगातार मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दे तो उसके अंदर दूसरी करंट आई टू इंड्यूस हो जाती है। तो इसमें जब करंट फ्लो करवाई, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको जब रखा और इसके अंदर करंट की वैल्यू को अगर बार बार चेंज किया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हुई और मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होने के कारण इसके अंदर जो करंट फ्लो हुई वो कहलाएगी आई टू। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम एक कंसेप्ट देखने वाले हैं। मतलब सीधी सी बात है, आप किसी कंडक्टर को एक कंसेप्ट है छोटा सा, एक खाली वायर ले लीजिए और हमने देखा था कि उसके पास जब भी किसी मैग्नेट को बार बार ले जाते हैं तो उसके उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जब उसके आसपास रहती है तो लगातार उसे दूर पास ले जाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी ज़्यादा रहती है, कभी पास हो जाती है। इससे आप मोशन करवाते रहिए मैग्नेट को, दूर पास ले जाते रहिए। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से एक फील्ड में बार बार चेंज आएगा और फील्ड में चेंज आने से इसके अंदर एक करंट आई इंड्यूस हो जाएगी। ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ आपने अगर सुनी हो तो कन्फ्यूज़ मत होना। ये हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 6-7 जो आपकी यूनिट है उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी कल हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं जहाँ पर आपको दोनों कंडक्टर हैं और दोनों कंडक्टर पे एक दूसरे के फोर्स को निकालना है। मतलब इसका फोर्स इस पर और इधर करंट आई टू पास हो रही है तो इसका फोर्स इस पर। ठीक है, ये दोनों फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।